मऊगंज की, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामयज्ञ सौंधिया ने अपने समर्थकों के साथ अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसके साथ ही प्रत्याशी सौंधिया ने भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी तमाम ज्वलंत समस्याओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर हमारी पार्टी क्षेत्रीय समस्याओं को बताने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर विकास के नाम पर केवल जनता को अपने अपने समय में दोनों ही पार्टियों ने ठगा है। क्षेत्रीय संगठन बनाकर लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, भुखमरी को लेकर के, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और राशि बेचते हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने को लेकर के, यानी रोजगार को लेकर के हमें लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी मुकाबला और अपना कॉन्टेस्ट हम किसी से नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि जो देवतला विधानसभा क्षेत्र का खेतिहर है, मजदूर है, गरीब है, नौजवान है, बेरोजगार है, ऐसे लोग जो लंबे समय से जो है तो इस प्रत्याशा में ज़िंदगी जी रहे हैं कि जिस प्रत्याशा में जो है तो उनको आगे एक भविष्य का जो है तो एक बहुत बड़ी रोशनी की किरण दिख रही है, ऐसे समय में जो है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं, हमारी तमाम रैलियों में, सभाओं में, हर जगह हमारे साथ थे और अब भी हमारे साथ हैं। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, यदि मुकाबला अन्य लोगों का है तो वो एक दूसरे से, हमसे किसी कोई मुकाबला नहीं है।